जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल स्टडी अपने लिए पे। आज हम लोग SSC CGL का 2024 में जो आपका एग्ज़ाम्स हुआ था, इसमें टोटल 36 शिफ्ट हुए थे। ठीक है, इसमें जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए थे, इसका हम लोग सॉल्यूशंस देखेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। पहला वर्ड पे हम लोग शुरू करते हैं। पहला वर्ड है फियरफुल ऑफ हाइट्स, यानी ऐसा पर्सन जो कि हाइट से डरता है। ठीक है, यहाँ पे पहला वर्ड जो आता है फोबिया, फोबिया का मतलब होता है डर। ठीक है, और यहाँ एक्रो, एक्रो मतलब होता है यहाँ पे हाइट। ठीक है, यानी जो पर्सन हाइट से डरे उसको हम लोग एक्रोफोबिया बोलते हैं। अगला है रिटन स्टेटमेंट, यानी लिखा हुआ एक ऐसा स्टेटमेंट, ठीक है, जिसमें शपथ के बारे में, यानी ओथ का मतलब होता है शपथ। ठीक है, जिसमें शपथ के बारे में हो, यानी एफिडेविट बोलते हैं, यानी शपथ पत्र। अगला वर्ड है यहाँ पे द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट टू बी डिस्कस एट द मीटिंग, यानी मीन्स क्या क्या हम लोग को मीटिंग में डिस्कस करना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एजेंडा। ठीक है, एजेंडा बोलते हैं, यानी कार्य सूची। अगला है एक ऐसा पर्सन जो कि विश्वास ही नहीं करता कि भगवान है या फिर नहीं। ठीक है, ए पर्सन हु इज अनश्योर, अनश्योर अबाउट द गॉड एग्जिस्टेंस, तो उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक्स। ठीक है, अगला वर्ड है द रेपिटेशन ऑफ यूजुअली इनिशियल कांस्टेंट साउंड। ठीक है, जो इनिशियल कांस्टेंट साउंड जो होता है, ठीक है, उसका जो रेपिटेशन होता है दो या दो से ज्यादा बार, उसके जो अगल बगल में जो वर्ड होते हैं, यानी नाइबरिंग वर्ड्स होते हैं और स्वेलेबल होते हैं, तो उसको बोलते हैं एलिट्रेशंस। ठीक है, अगला वर्ड है यहाँ पे एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, यानी एक अच्छा इंपॉर्टेंट पर्सन जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कंट्री को, ही इज या फिर हर कंट्री को, कहाँ पे, दूसरे कंट्री पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्बेसडर, यानी राजदूत। ठीक है, ए पावरफुल स्मॉल ग्रुप, ठीक है, उसको बोलते हैं ओलिग्रेची। ठीक है, ओलिग्रेची, यानी एक कुलीन तंत्र। अगला है शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि रियल पर्सन और इवेंट के बारे में है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनसीडोट। ठीक है, अगर वही अम्यूजिंग स्टोरी रहा, ट्रू स्टोरी रहा, तो उसको भी एनसीडोट्स बोलते हैं। ठीक है, दोनों का मीनिंग यहाँ पे सेम होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला वर्ड है वन हु अपोजिस अदर, यानी एक जो है दूसरों को अपोज करता है। ठीक है, उसका बात नहीं मानता है कि, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि राहुल गांधी है और नरेंद्र मोदी जी हैं, ये लोग मतलब अपोजिट टीम में है, यानी विरोध करते हैं एक दूसरे का, तो एंटागोनिस्ट हो गया ये। अगला है लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंथुजियाज्म और कंसर्न, यानी उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, उदास है। ठीक, उदासीनता बोलते हैं उसको, एपैथी। ठीक है, यानी जैसे बोलते हैं ना कि बहुत जन गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करता है तो वो बोलता है कि नहीं मुझे रेलवे नहीं जाना है या SSC का ही करना है, तो वही होता है, उनका इंटरेस्ट नहीं होता रेलवे में जाने का या बैंक में जाने का, तो उस टाइप से देख सकते हैं। अगला द स्टडी ऑफ एंशियंट, यानी ऐसा पर्सन जो कि एंशियंट थिंग्स, यानी जो पुराना पुराना जो बोल सकते हैं पत्थर है, मॉन्यूमेंट्स है, उसके बारे में वो लोग पढ़ता है, स्टडी करता है। ठीक है, ग्रैप्स, रूइंस को, तो उसको हम लोग आर्कियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अगला है लार्ज फ्लैट एरिया, ठीक है, बहुत बोल सकते हैं कि लंबा फ्लैट एरिया होगा। ठीक है, जिसका चारों तरफ जो होगा सीट लगा हुआ होगा, और वो वहाँ पे क्या होता है, स्पोर्ट्स होता है, एंटरटेनमेंट होता है, यानी अखाड़ा। ठीक है, बेसिकली अखाड़ा होता है, उसको हम लोग एरिना बोलते हैं। ठीक है, एरिना। अगला है पर्सन हु इज ट्रेंड, ठीक है, एक पर्सन है जिसको ट्रेन किया जाता है कि वो स्पेस क्राफ्ट से ट्रैवल करे। ठीक है, और स्पेस क्राफ्ट से क्या, वो दिल्ली मुंबई तो ट्रैवल नहीं करेगा, अंतरिक्ष में ट्रैवल करेगा, यानी एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री। अगला है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वही चीज, एक ऐसा पर्सन जो कि विश्वास नहीं करता कि गॉड है या नहीं, तो वो एथिस्ट होता है। और एक होता है जो कि विश्वास ही नहीं करे गॉड का होना या ना होना, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये देखिए एन आर्टिस्ट होगा यहाँ पे, वो भी वर्ड मैंने अभी करवाया था। अच्छा, देखिए एग्नोस्टिक्स, ठीक है, एग्नोस्टिक हो गया आपका, जो कि विश्वास नहीं करता कि गॉड है या नहीं। ठीक है, और यहाँ पे एथिस्ट, और थिस्ट हो जाएगा गॉड पे विश्वास करने वाला। ठीक है, अगला है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा पर्सन जो कि बिलीव नहीं करता उसको एथिस्ट भी बोलते हैं, ये सेम वर्ड हो गया है दोनों। ठीक है, दोनों सेम ही है यहाँ पे। अगला है लाउड इनफ टू बी हेयर, ठीक है, मतलब उतना ज्यादा पर्याप्त आवाज है कि जिससे मैं सुन सकूँ, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप आराम से मेरे वॉइस को सुन पा रहे हो, यानी ये ऑडिबल, ठीक है, सुनाई देने योग्य, ऑडिबल। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी एक ऐसा जगह जहाँ पे पंछियों को रखा जाता है उसको हम लोग एवियरी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पंछियों को रखा जाता है। और स्टडी ऑफ फ्लाइंग एयरप्लेन, यानी एविएशन, ठीक है, जहाँ पे एविएशंस का कोचिंग्स होता है, ठीक है, इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पे आपको एरोप्लेन्स वगैरह के बारे में पढ़ाया जाता है। अगला है शॉर्ट स्वॉर्ड, ठीक है, मतलब शॉर्ट यानी छोटा सा स्वॉर्ड फिक्स्ड ऑन टू द एंड ऑफ द गन, यानी
बियॉन्ड, ठीक है, संगीन बोलते हैं उसको। अगला, स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुल अबाउट द सेक्रेड और रिलीजियस थिंग, यानी सेक्रेड यानी पवित्र, ठीक है, पवित्र और धार्मिक चीज के बारे में बहुत ज्यादा मतलब कि गलत शलत बोलना, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्फेमी, ठीक है, ईश्वर का निंदा करना। अगला, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, ऑफिशियल्स के द्वारा गवर्नमेंट चलाया जाना, उसको हम लोग ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। अगला वर्ड है यहाँ पे, वन हु ईट्स द फ्लैश ऑफ हिज वन स्पीसीज, यानी अपना ही प्रजाति का जो मांस खाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैनिबल, यानी नरभक्षी, ठीक है, नरभक्षी यानी कैनिबल। अगला है यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रीसियस स्टोन, ठीक है, यूनिट ऑफ वेट, ठीक है, यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रीसियस, यानी जो कि मतलब बोल सकते हैं प्रीशियस, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, मतलब जो काफी महंगा टाइप होगा प्रीसियस स्टोन्स का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेट बोलते हैं, CARAT, कैरेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है यहाँ पे, एन अटर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है, एन अटर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, जिसको हम लोग चाउस बोलते हैं, अराजकता, चाउस। अगला है फियर ऑफ क्लोज स्पेस, ठीक है, यानी क्लोज क्लोज स्पेस जो होता है उससे उसको डर होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। फोबिया यहाँ पे फिर से वर्ड आया है, जो फोबिया जो होता है डर के लिए, और क्लास्ट्रो आया है क्लाउड स्पेसेस से डर जो जो होता है इनको। अगला है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पेंड देयर टाइम टुगेदर एंड डू नॉट वेलकम अदर पीपल इन टू द ग्रुप, ठीक है, मीन्स एक अच्छा मतलब कि छोटा सा ग्रुप है, ठीक है, वो अपना टाइम एक साथ गुजारते हैं, पर और भी कोई नए लोग आते हैं तो उनको वो ग्रुप में वेलकम नहीं करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुट बोलते हैं, CLIQU, फ्लाई क्यू, ठीक है। वही इसका एक और दिया हुआ सेम, एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विथ अ कॉमन पर्पस, ठीक है, तो उसको भी सेम, गुड। अगला है ऑकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर, ठीक, ऑकवर्ड होगा इन मूवमेंट और मैनर के हिसाब से, उसको बोलते हैं क्लमसी, ठीक है, अनाड़ी। अगला है ए पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, मीन्स एक ऐसा पर्सन जो कोई भी चीज़ पे वो आर्ग्यू करता है, डिस्कस करता है, ठीक है, तो उसको जैसे बोलते हैं ना विवादस्पद, ठीक है, यानी कॉन्टेंटियस, कॉन्टेंटियस। अगला है एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इनडोर, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आया है कि जितना भी जो लोग हैं वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, घर के अंदर ही रहेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, कर्फ्यू बोलते हैं, ठीक है, कर्फ्यू लग जाता है कभी कभी। आगे देखिए, ए परफॉर्मेंस फर्स्ट पब्लिक अपेयरेंस, ठीक है, ए परफॉर्मर्स एक ऐसा परफॉर्मर्स है, ए परफॉर्मर फर्स्ट पब्लिक अपेयरेंस यानी डेब्यूट, ठीक है, प्रथम प्रवेश, डेब्यूट यानी जो जिसका जैसे नया नया सेलिब्रिटी लोग आते हैं उसका पहला परफॉर्मेंस जो होता है उसको क्या बोलते हैं, डेब्यूट बोलते हैं कि फर्स्ट है। ए पीरियड ऑफ 10 ईयर यानी 10 साल का जो पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं, डेकेड बोलते हैं। अगला है द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में जो स्टडी करता है उसको क्या है, डेमोग्राफी, ठीक है, डेमोग्राफी, जनसंख्या के बारे में जो स्टडी करता है। अगला है चॉइस बिटवीन टू अनसेटिस्फैक्ट्री अल्टरनेटिव, दो अनसेटिस्फैक्ट्री अल्टरनेटिव के बारे में चॉइस करना, उसको क्या बोलते हैं, डिलीमा यानी दुविधा में होना, देख आगे खाई पीछे कुआं वो वाला, भाई दुविधा में होना। अगला है डैबलर, डैबलर इन आर्ट्स साइंस और लिटरेचर, ठीक है, जो कि डैबलर है आर्ट्स में साइंस में है, तो उसको बोलते हैं डेलिटेंटा, ठीक है, डेलिटेंटी यानी मनोरोगी। अगला है मॉर्बिड कंपल्सन टू कंज्यूम अल्कोहल कंटिन्यूसली, ठीक है, मॉर्बिड कंपल्सन टू कंज्यूम अल्कोहल कंटिन्यूसली यानी डिप्लोसोमानिया, डिप्लो सोमानिया। द इवनिंग टाइम, ठीक है, यानी इवनिंग का समय होता है, द इवनिंग टाइम व्हेन द सन हैज जस्ट सेट एंड इट ऑलमोस्ट डार्क, यानी एक ऐसा समय जहाँ पे सन जो है यानी सूर्य जो है तुरंत मतलब कि डूब रहा है और रात होने वाला है, उसको हम लोग बोलते हैं शाम यानी डस्क। ए थिंग फिट टू ईट यानी ऐसा चीज जो कि खाने के योग्य हो यानी एडिबल, ठीक है। अगला मच मोर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड यानी जितना हमने सोचा उससे बहुत ज्यादा होना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सीडिंग, अधिक। डेट वॉट, ठीक है, डेट विच है, डेट विच इज नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग यानी जो कि अभी मतलब यूज में ही ना हो, जैसे नोकिया का फोन पहले यूज होता था, अब यूज में ही ना हो, ठीक है, यानी विलुप्त हो जाना, गायब हो जाना यानी एक्सटिंक्ट हो जाना, जैसे डायनासोर अभी है नहीं, गायब हो गया। अगला है फॉल्स आइडिया और बिलीव, फॉलेशी यानी भ्रम में होना। अगला कैपेबल ऑफ बींग डन, ठीक है, संभव यानी मान लेना कि हो जाना है वो चीज़ संभव है, कैपेबल ऑफ बींग डन यानी हो सकता है वो, यानी फिजिबल है, यानी जो चीज़ होने योग्य हो, कैपेबल ऑफ बींग डन यानी फिजिबल। अगला एनीथिंग, एनीथिंग पर्टेनिंग टू कैट्स, ठीक है, बिल्ली जैसा, मतलब ऐसा चीज जो मतलब कि बिल्ली जैसा प्रतीत होता है, यानी पर्टेनिंग टू कैट, एनीथिंग पर्टेनिंग टू कैट यानी फेलाइन, ठीक है, फेलाइन है, फेलाइन
अच्छा कैट का अगर आप बायो में आप पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं फेलियस कैक्टस, ठीक है, फेलिस कैक्टस ऐसे इसका बायोलॉजिकल नेम है, कैट का प्रजाति का, तो सब बायो में आपने पढ़ा होगा, तो वहीं से ये फेलाइन वर्ड आया है आपका। अगला है पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर, मीन्स एक ऐसा पर्सन है जो कि फूल को बेचता है, फूल को अरेंज करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरिस्ट बोलते हैं, फूल वाला फ्लोरिस्ट। अगला है शॉर्ट सेक्शन, छोटा सा सेक्शन है, एज ऑफ ए बुक, बुक का एक जो छोटा छोटा सेक्शंस होता है, डैट लीड टू एक्सप्लेन द मेन पार्ट, जो कि मेन पार्ट को एक्सप्लेन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड, ठीक है। अगला वर्ड आएंगे काउंटर फिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का जो काउंटर फिटिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, फॉरगेरी बोलते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है मनी कलेक्टिंग, ठीक है, मनी जो है कलेक्ट किया जाता है फॉर फ्रॉम अ पीपल फॉर अ कॉज, ठीक है, किसी कारण से के लिए जो मनी कलेक्ट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, फंड बोलते हैं। अगला है एसेंस और मेन पॉइंट ऑफ एनी पैसेज लेक्चर ऑफ बुक, यानी जो भी लेक्चर है, जो भी बुक है, उसका जो मेन पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, सार बोलते हैं, ठीक है, जिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में उसको, जिस्ट बोलते हैं। वन हु ईट्स अ लॉट, ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा खाता है, ग्लूटॉन, ठीक है, पेटू। अगला है पर्सन टू पार्क एरोप्लेन, ठीक है, एक प्लेस, ठीक है, प्लेस है यानी सॉरी एक जगह है, एक ऐसा जगह जहाँ पे एरोप्लेन को पार्क किया जाता है, उसको हम लोग हैंगर बोलते हैं, ठीक है, विमान घर। अगला है पर्सन हु इज कैप्ट कैप्टिव फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड्स ऑफ मनी और कंडीशन, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो कि कैप्ट यानी रखता है कैप्टिव फुलफिलमेंट डिमांड्स ऑफ मनी और कंडीशन, तो हॉस्टेजेस यानी बंधक, ठीक है, इसका मतलब वही होता है, आप मूवी वगैरह में देखे होंगे ना कि पर्सन वगैरह को रख लिया जाता है कि नहीं, अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं, मुझे मेरा डिमांड पूरा करो मनी के लिए, वही लिखा हुआ है ना, उसका एक डिमांड होता है मनी के लिए, फिर कोई उसका कंडीशन होता है, उसको वो पर्सन को ही रखता है, ठीक है। अगला है पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, यानी एक ऐसा पर्सन जो कि लिख भी नहीं सकता और पढ़ भी नहीं सकता, यानी वो अनपढ़ है, इलिटरेट है। अगला है नेवर एबल टू डाई, ठीक है, जो कभी मरेगा ही नहीं, इमॉर्टल यानी अमर हो गया वो। ए पर्सन हु डिसीव्स अदर बाई प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, ठीक है, यानी मीन्स एक ऐसा पर्सन जो दिखाता है कि मैं वही हूँ पर रियल में वो रहता नहीं है, वो कोई और रहता है, तो उसको इम्पोस्टर बोलते हैं, यानी धोखेबाज। कांट बी रीच, जहाँ पे पहुँचा ना जा सके, यानी इन एसेसेबल, ठीक है। अगला कैन नॉट बी करेक्ट, जिसको सही ना किया जाए, इनकॉरिगेबल। अगला डैट विच कैन नॉट बी कंक्योर, जिसको जीता ही नहीं जा सके, इनविजिबल, ठीक है, इनविंसेबल, अजय। अगला वर्ड पे आइए इनकैपेबल ऑफ बींग डिफेक्टेड, जिसको हराया ना जा सके, इनविंसिबल। अगला है फॉलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, जिसको मतलब कि फॉलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, यानी लैक्स, ढीला। अगला ए पर्सन हु परफॉर्म मैजिक, यानी एक ऐसा पर्सन जो कि जादू दिखाता है, इंटरटेन करता है पीपल को, ठीक है, मैजिशियन, लोगों को इंटरटेन करना, तो वो जादूगर होता है, मैजिशियन होता है। प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग इन मैनी लैंग्वेज, यानी ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बोल सकता है, बहुत तरह का लैंग्वेज, यानी मल्टी लैंग्वेज। अंडर फेवर टू वंस वन, ठीक है, अंडर फेवर टू वंस वन रिलेटिव ड्यूरिंग द हायरिंग प्रोसेस, यानी नेपोटिज्म, यानी अपने ही घर वालों को रखना, ठीक है, बाहर और दूसरे को नहीं रखना, या भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म बोलते हैं, ठीक है। अंड्यू अंड्यू फेवर, यानी वो खुद का फेवर करता है ना, ठीक है, वंस वन रिलेटिव, यानी अपना ही रिलेटिव को फेयर करना है हायरिंग प्रोसेस के लिए, उसके लिए जो कॉइन का स्टडी कर रहे हैं, यानी स्टडी ऑफ कॉइन, न्यूमिस्मैटिक, ठीक है, जो कि कॉइन्स के बारे में स्टडी करता है, न्यूमिस्मैटिक हो गया, जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, हैविंग अल्टीमेट पावर, ठीक है, अनलिमिटेड पावर हो गया। ओमनीपोटेंट, पोटेंट आता है यहाँ पे पावर के लिए, और अनलिमिटेड के लिए आता है ओमनी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, 66 में एक्सट्रीम फियर ऑफ स्नेक्स, यानी बहुत ज़्यादा डरना स्नेक से, स्नेक से बहुत ज़्यादा डरना, फोबिया यानी डर के लिए, स्नैक के लिए आया है, ऑफिडो, ठीक है, ऑफिडायो, OPHIDIO, ठीक है, ये आता है स्नेक से जो डरता है। अगला है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स और सिचुएशन, यानी एक ऐसा पर्सन जो कि ब्राइट साइड सोचता है थिंग्स का, सिचुएशन का, उसको ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। एक ऐसा प्लेस जहाँ पे फ्रूट्स को रखा जाता है, यानी ए प्लेस वेयर फ्रूट्स ट्री आर ग्रोन, यानी जो भी फल वाला जो पेड़ पौधा होता है उसको गड़ाया, मतलब कि उगाया जाता है, यानी ऑर्चार्ड, ठीक है, ORCHARD, ऑर्चार्ड, यानी बाग बोलते हैं उसको। राउंड द ईयर यानी पेरिनियल, ठीक है, बारहमासी, ठीक है, पेरिनियल हो गया, राउंड द ईयर। अगला है ए पर्सन हु इज इंक्लाइन टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही, मतलब बोलते हैं ना, सैड सैड चीजें को देखता है, उसको पैसिमिस्ट बोलते हैं, निराशावादी बोलते हैं।
अगला है वन हु टेंड्स टू लुक एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग, वही सेम चीज है जो कि डार्क साइड जो होता है जीवन का उसको देखता है, पैसिमिस्ट बोलते हैं। इट थिंग्स दैट कैन बी इजिली कैरीड, यानी एक ऐसा चीज जिसको इजिली यानी आसानी से ले जाया जा सके एक जगह से दूसरी जगह, उसको पोर्टेबल बोलते हैं। अगला है डीलिंग विद थिंग्स इन प्रैक्टिकल एंड सेंसेबल वे, ठीक है, किसी चीज को डील करना प्रैक्टिकली डील करना, सेंसेबल वे से डील करना उसको प्रैग्मेटिक बोलते हैं, व्यवहारिक। हर्ड ऑफ कैटल, ठीक है, हर्ड ऑफ कैटल यानी प्राइड ऑफ लायन यानी शेरों का अभिमान, ठीक है, हर्ड ऑफ कैटल। अगला इंटरेस्टिंग इंटरेस्टेड इन स्टडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक है, मतलब जो ह्यूमन का जो साइकोलॉजी होता है उसके बारे में जो पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी ही बोलते हैं, ठीक है, मनोवैज्ञानिक। टू गो थ्रू एन एरिया मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज एंड कॉजिंग डैमेज, ठीक है, यानी एक ऐसा जगह पर जाना, एक ऐसा एरिया में जाना वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज करना, डैमेज करना, यानी रैम्पेज बोलते हैं, हिंसा। इज सम फॉर द सर्विस डे रेंडर्ड, ठीक है, यानी परिश्रमी रेमुनरेशंस, ठीक है, पैसा मिलना। अगला है वन हु स्पीक लेस इन अ फॉरम, यानी जो बहुत ज़्यादा कम बोलता है उसको बोलते हैं रेटिसेंट, जो बहुत कम बोलता है उसको रेटिसेंट बोलते हैं। अगला है हुमर डैट डिस्क्राइब द वीकनेस ऑफ द अदर पर्सन, एक ऐसा मतलब अफवाह जो फैल जाता है जो बताता है कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा वीकनेस है, कमजोर है, ठीक है, उसको बोलते हैं सटायर यानी व्यंग। अगला है हाई श्रील पायरेसिंग क्राई, ठीक है, यानी चीख यानी स्क्रीच। अगला है पर्सन हु हैज सुप्रीम पावर ऑफ अथॉरिटी, मीन्स एक ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत ज़्यादा सुप्रीम पावर, ठीक है, सबसे ज़्यादा पावर हो, अथॉरिटी हो, उसको क्या बोलते हैं, सर्वरीजन हूँ बोलते हो क्या, ठीक है, नॉट फ्रेश जो कि फ्रेश नहीं है, बासी है, स्टेल बोलते हैं उसको। अगले वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, ठीक है, मैं एक ऐसा पर्सन जो कि सही में भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, गलत में भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्राइक बोलते हैं, स्थिर हो गया, स्ट्राइक। ए शॉर्ट स्टे डैट यू मेक वाइल ऑन अ लॉन्गर जर्नी, ठीक है, रास्ते में जो ठहराव होता है, ठीक है, शॉर्ट स्टे माने छोटा सा, 10 मिनट 5 मिनट के जो हम लोग रुकते हैं बहुत लंबा लंबा रास्ता में उसको बोलते हैं स्टॉप ओवर। अगला थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन और टच, यानी एक ऐसा चीज जिसको ना ही देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है, यानी टेंजिबल, ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे कैन बी सीन है यानी जिसको छुआ जा सके और टच किया जा सके, यानी टेंजिबल। अगला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यू, व्यूइंग मतलब कि देख सकते हैं, मीन्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए, बहुत जो दूर दूर में जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दूर का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं स्पेस में, हम टेलीस्कोप बोलते हैं। अगला है बेट्रेयर ऑफ द कंट्री, ठीक है, यानी देशद्रोही यानी गद्दार, ट्रेटर बोलते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं, ये 90 आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, 3 बाकी है, इसको भी देखते हैं। एन ऑफन इमेजिनरी प्लेस, यानी ऑफन इमेजिनरी प्लेस और स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस यानी यूटोपिया, ठीक है, ए कंटिन्यूइंग अनप्लीजेंट सिचुएशन, ए कंटिन्यूइंग अनप्लीजेंट सिचुएशन क्रिएटेड व्हेन वन प्रॉब्लम कॉजेस अनदर प्रॉब्लम दैट देन मेक्स द फर्स्ट प्रॉब्लम वर्स, यानी एक प्रॉब्लम जो है उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम हो रहा, दूसरा प्रॉब्लम और ज़्यादा खराब, इसको बोलते हैं वीकियस साइकिल। जर्नी बाय वाटर और सी, यानी एक ऐसा जर्नी जिसको वाटर या सी से किया जाता है उसको वॉयज बोलते हैं, यानी यात्रा। तो इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शायद सब्सक्राइब करिए, ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए कैसा लगा, कमेंट पे हम लोग को बताइए वीडियो कैसा है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।